ये रिश्ता क्या कहलाता है? यूं तो एवरीबडी इज गेयरिंग अप फॉर द बिग फैट इंडियन वेडिंग, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है कि भैया इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी ये शादी ना सुचारू रूप से विदाउट एनी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने नहीं वाली, क्योंकि देखिए ना संगीत के मौके पर हो गया है एक अपशगुन। जिसे हम प्यार करते हैं, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उसके दर्शन जब सुबह सुबह हो जाए तो भाई इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। कार्तिक के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उसकी जिंदगी जब सुबह सुबह उसके सामने आई एक कप चाय की प्याली लिए तो उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। नायरा को अपनी बाहों में समेटकर आज वो यहाँ से छूमंतर हो जाना चाहता है। इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि कार्तिक से अब इंतजार ही नहीं हो रहा है, फटाफट से बस वो तो अब शादी करना चाहता है। अब बात शादी की हो रही है तो घर वाले तैयारी भी कर रहे हैं संगीत की। जरा देखिए सब के सब डांस करने में लगे हुए हैं। नायरा और कार्तिक की शादी को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वंश और कायरव। संगीत के इस रिहर्सल में हो गया एक झोल। अक्षरा का लहंगा जो अपनी शादी में नायरा पहनने वाली थी उसके ऊपर दिया गिर गया है, वो लहंगा जल गया है और सबको लग रहा है कि ये वेदिका ने किया है, लेकिन वेदिका ने कुछ नहीं किया बल्कि ये तो बच्चों से शायद डांस करते करते हुआ है। आखिरी निशानी थी नायरा के मम्मी की, तो शी इज़ लिटिल अपसेट, बट दादी ने प्रॉमिस किया है उसको और भी अच्छा लहंगा लेकर देंगे। देखो कोई भी अगर शगुन का काम होता है तो थोड़ा बहुत अपशगुन तो उसमें होता ही है, लेकिन चीज़ें हो जाती है तो कहीं ना कहीं शगुन अपशगुन करते करते शगुन की चीज़ें भी हो जाएंगी, आई थिंक सो। खैर अब शादी में छोटी मोटी अड़चने तो आती रहेंगी, क्योंकि ये शादी इतनी आसान नहीं है जितनी आप सब समझ रहे हैं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं, हमसे ज्यादा तो बच्चे अपसेट। अब जल्दी से सबका मूड चेंज कर दें वरना संगीत में सैड सॉन्ग्स बजाने पड़ेंगे। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।